पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते गरीब। बाबूजी कैसे? लो खुशी राम, आज के तुम्हारे पैसे पूरे गिन लो। 200 रुपये मिले, कैसे बच्चों के कपड़े आएंगे, कैसे पटाखे आएंगे, बड़ा मूड खराब है, क्या करूं यार। लगता है अब की बार दिवाली नहीं मन पाएगी, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी। बाबूजी 5 के पास दिए दिए ले लो बाबूजी, सुबह से एक भी दिया नहीं दिखाया, हमारी भी दिवाली बन जाएगी बाबूजी। बेटे मेरे पास तो घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, मैं तेरे दीवले कहाँ से ले लूँ बेटा। पैसे तो मेरे पास में बेटे पैसे नहीं है, मगर फिर भी तुम 50 रुपए के दीवले दे दो, आपकी भी दीपावली बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। पाँच के पाँच दिए, ये आपके जितने भी दिए हैं ये कितने रुपए के होंगे? ये 250 के लगभग होंगे भैया। 250 के होंगे ना, चल ठीक है, मैं सारे दिए तेरे ले लेता हूँ, और ये तू अपने 300 रुपए रख लेते। नहीं भैया नहीं, मैं 250 ही लूँगा भैया। 250 लेगा, ले तो ले, चल तू अपने 250 रुपए ले ले मेरे से, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ चल ठीक है, मैं देख रहा था तुझे काफी देर से, तेरे दिए नहीं बिक रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं ही ले लेता हूँ सारे दिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी भी दिवाली मननी चाहिए, मैं ये सारे दिए तेरे ले लेता हूँ, ठीक है बेटा? अब अपने घर जाओ, दिवाली मनाना अच्छे से। बाबा ये दीपक है, इनको आप अपनी दुकान पर रख के बेच देना, कोई आएगा और बेच देना, 5 के 5 बेच देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबा? ठीक है बेटा, 5 मिनट का काम है मेरा बेचने का, अभी बेचता हूँ। अल्लाह हो गया ना बेटा। अरे चाचा मैंने देखा नहीं था, माफ करना, ये आपका सामान गिर गया था, आप इसको ले जाइए। ले बेटा ये सामान अंदर रख, तेरे लिए पटाखे तो लेके नहीं आया, पैसे नहीं बचे मेरे पास। पापा पटाखे लेके आए, मुझे बताया भी नहीं। बेटा मैं कहाँ लेके आया पटाखे? आप देखो जरा ये पटाखे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था कि हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई गरीब अगर अपना कोई पेट भरने के लिए कोई सामान बेच रहा है, तो हम उसको इग्नोर कर, जो बड़ी दुकानें होती हैं, जो पहले से पैसे वाले होते हैं, उन लोगों पर अपना फोकस करते हैं और उनसे हम सामान खरीदते हैं, जबकि जो गरीब होता है वो अपना पेट भरने के लिए मेहनत करता है, ना कि पैसा वाला बनने के लिए। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जितने भी गरीब लोग हैं जो अपना पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं, हमें उन लोगों से सामान खरीदना चाहिए, ताकि उनकी भी दिवाली अच्छे से मन सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को खूब ज़्यादा दबा के शेयर करना, ऐसा शेयर करना कि मज़ा आ जाए, बस ये समझ लीजिए। इस वीडियो को बनाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो उम्मीद करूँगा आप हमारी मेहनत को ख़राब नहीं जाने देंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और सेफ दिवाली मनाना, पटाखों को अच्छे से संभल के बच्चों के हाथ में मत देना, और अच्छे से आप अपनी दिवाली मनाना, हम भी मनाएंगे। और इसी के साथ मैं विराम देता हूँ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, राधे राधे।